फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले से अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सभी को ये नहीं पता से डीएक्टिवेट अकाउंट कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले। आपको ये भी बताएंगे कि अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेंगे तो फिर यहाँ पे कभी अपने अकाउंट को एक्टिव ही कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप सभी को बताते से कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते स्टार्ट और आप सभी को बताते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करने से पहले आपको क्या करना, फेसबुक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ और इंटरफेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको थ्री डॉट बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मतलब सेटिंग एंड प्राइवेसी इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पेज ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को मिला सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको छोटा को अक्षर में देखने को मिला सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिला अकाउंट के नीचे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिला डीएक्टिवेट और डिलीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हो, पर मेरे में भी क्या हो रहा है, एक ही अकाउंट दिख रहा होगा। जैसे कि आप फेसबुक अकाउंट बनाओगे या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जो भी अकाउंट चाहते हो मतलब टेम्प्रोरी में डीएक्टिवेट करना तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस एक ही अकाउंट सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डीएक्टिवेट अकाउंट और यहाँ पे डिलीट अकाउंट। तो आपको क्या करना, आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर चलिए अपना पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड गलत बता रहा था, फिर से यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड जो गलत बता रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड यहाँ पे डालें, और डालने के बाद कंट्रोल पर क्लिक करें। फिर यहाँ आपको ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट, उस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को अच्छे नागर से कैसे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जाता है, आई होप करते वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।